किसान जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। बताया गया कि अवैध तरीके से काफी किसानों की जमीन भूमाफियों के नाम करने वाले बेंगाबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी कृष्णा मरांडी एवं उनका आईडी चलाने वाले कर्मचारी रोहित वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग हेतु होने वाले आंदोलन का तिथि निर्धारित करने को लेकर अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह किसान पंचायत आयोजित किया, जिसमें सर्वसम्मति से दिनांक 6 दिसंबर को अंचल कार्यालय बेंगाबाद के समक्ष धरना देने, 7 दिसंबर को भूख हड़ताल करने व 8 दिसंबर को आंदोलनरत सभी किसानों को रोड जाम करने के जुर्म में नामजद अभियुक्त बनाकर जेल भेजने की मांग को लेकर NH 114A को जाम करने का निर्णय लिया है। किसानों की समस्या का निदान करने हेतु वैधानिक तरीके से सरकार और प्रशासन को विवश करने के लिए इस आंदोलन की सफलता हेतु नबी अंसारी की अध्यक्षता में किसान समस्या संकलन समिति गठित किया गया। वहीं अन्ना मुर्मू की अध्यक्षता में प्रचार कमेटी बनाया गया, जो किसानों को अपने जमीन से संबंधित रजिस्टर टू और खतियान का नकल निकालने हेतु जागरूक करेगी, तथा घनश्याम पंडित की अध्यक्षता में आंदोलन प्रबंधन समिति बनाया गया। इस किसान पंचायत में विजय कुमार, शुक्ल नारायण देव, दासू मुर्मू, रुपया सोरेन, बेबी देवी, खुशबू देवी, संतोष पासके, कुदरत अली, छत्रधारी सिंह, मेनका देवी, खुशबू देवी, मोहम्मद तैयब, मनोज हेमरेम, देवचंद्र यादव, गंगाधर यादव, बैजुन मुर्मू, धनेश्वर मरांडी, राम हेमरेम, श्यामू बासके, घनश्याम पंडित, बसिया टुड्डू, मालती देवी, हीरामणि बासके, अनीता हांसदा, सुनीता मरांडी, ललिया देवी, धनी देवी, मुन्ना टुड्डू, भागीरथ राय, झगरू यादव, बहामुनि देवी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे। बेंगाबाद अंचल में भूमाफियाओं ने आतंक मचा के रखा है और उसमें सबसे बड़ा जो सहयोगी बना हुआ है वो अंचल अधिकारी और कर्मचारी बने हुए। पिछले दिनों बेगाबाद अंचल में कई कैसे किसान थे जिनका जमीन में 50 साल 100 साल से कब्जा है, दखलदार हैं, लगान रसीद भी कटता आ रहा है, लेकिन अब जो है अंचल अधिकारी भू माफिया से पैसा लेके उस जमीन का ऑनलाइन रसीद काट दिए है, ऑनलाइन रसीद निर्गत कर दिए। अब जो है वहाँ स्वाभाविक रूप से जब भूमाफिया के नाम से कर दिया है तो निश्चित रूप से वहाँ मार काट होने का संभावना है। इसलिए हम लोग आज यह निर्णय ले रहे हैं कि अंचल अधिकारी के कार्यालय में हम लोग धरना देंगे, उसके बाद एक दिन का अनशन करेंगे और अनशन करने के बाद जो है नेशनल हाईवे जो बेंगाबाद से गुजरती है उसमें उसको हम लोग जाम करेंगे और उस दिन हजारों के संख्या में किसान रहेंगे। आज जैसा कि बैतुल निशा का जो मामला आया है, इस ज़मीन में इनका घर मकान है, खेती बाड़ी सब कुछ कर रहे हैं, उसके सारा कुछ रहने के बावजूद जो है सो भूमाफिया के नाम से रसीद काट देता है। इसलिए आज यह निर्णय लिया जा रहा है और इसी के लिए आज हम लोग तिथि मुकर्रर करेंगे 21 दिन से हमको क्या करना है।